वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स आज बहू रेसिपी ब्लॉग। तो आज बनाएंगे हम कटहल बिरयानी। हमारे फोन आया था ऑफिस से कि थोड़ा सा कटहल बिरयानी, एक बार हमने बनाई थी तो उनको बहुत पसंद आई थी, तो उनका दोबारा बना देना। कटहल भी पड़ा हुआ था हमारे घर पे तो, और हमारे घर में पहली बार बताने वाले भी पापा ही थे और उनके ऑफिस में खाई थी, पार्टी थी कोई ऑफिस में, तो वहाँ कटहल बिरयानी खाई, तो हमें भी पता नहीं था, तो हमने फर्स्ट बार बनाई तो बहुत अच्छी बनी थी, तो उन्होंने दोबारा भी बोला बनाने के लिए और हमने दोबारा बनाई, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए। उमस कितनी हो रही है ना, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पर हम गर्मी में आपके लिए बिरयानी जरूर बनाएंगे। ये रेसिपी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे और देखो कैसे पसीना निकल रहा है अभी से। तो इतनी गर्मी में हम वीडियो बनाएंगे, तो उसके लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को जाके। जल्दी जल्दी बनाना शुरू करते हैं बिरयानी, क्योंकि पापा के आने का भी टाइम हो गया, तब तक खाना बच जाए तो अच्छी बात है। गरम गरम खाएंगे। नॉन वेज तो खा नहीं सकते, तो वेज बिरयानी सही। हाँ, इसलिए हम बना रहे हैं कटहल वेज बिरयानी। तो चलो शुरू करते हैं। चलेंगे और शिवांश को दिखाते हैं शिवांश क्या कर रहा है। सो गाइस, ये देखो ये कर रहा है परेशान, ये लड़का परेशान कर रहा है। तो अब इसके लिए लगाया जा रहा है आलू का चालू। बेटा कहाँ गए थे, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। आलू का चालू बेटा कहाँ गए, पूरी जनता देख रही है। तो मैं शिवांश, पूरी जनता देख रही है, रोगे तो सब बोलेंगे हाँ कितना गंदा बच्चा ये। चमू इधर देख, ये देख बंदर, देखो हो गया ना शांत, इसकी दवा यही है। आजकल के बच्चे देख रहे लग गया बंदर मामा, देखो बस ये शांत करने की दवा। चलो आप ये देखो, हम बनाते हैं कटहल बिरयानी, ठीक है। और सो गाइज, ये कट किया हुआ जो है ये कटहल अच्छे से धो के आलू काटे, इसमें दो आलू लिए हैं मैंने, ये दो आलू मीडियम साइज के, इनको बड़े बड़े स्लाइसेस में कट कर लिया है। कटहल भी अच्छे से धो के कट कर लिया है। तो अब हम इस कटहल को करेंगे मैरिनेट, जब तक हमारे चावल जो है, जो हमारे चावल जो बॉईल हो रहे हैं, तब तक हम कटहल को मैरिनेट कर लेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक, ये डाला हमने नमक, देन उसके बाद डालेंगे हल्दी, देन उसके बाद हम डालेंगे ये लाल मिर्च पाउडर, देन इसमें रहेगा गरम मसाला पाउडर किचन ग्रीन का, इसको अच्छे से हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेंगे सभी कटहल और आलू के साथ हम, कि उन पे मसाला लग जाए। ऐसे इसको अच्छे से सब कटहल पे मसाले लगा के देन इसे 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, और चलिए तब तक करते हैं दूसरा काम। तो गाइस, इसे मैरिनेट किए हुए हो गए 15 मिनट, तो अब हम इसमें डालेंगे बेसन, ये मैंने डाला है 2 चम्मच बेसन इतना, और थोड़ा सा और डाल देती हूँ, बस इतना ही बेसन डालूंगी मैं, ज़्यादा नहीं डालूंगी। आप चाहे तो मैदा भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा आटा भी डाल सकते हैं अगर डालना हो, बट हो सके तो बेसन ही डालें। तो ये इस तरह से इसके साथ सारा मैं मिक्स कर दूंगी मैं कटहल को और बेसन को सारा इस तरह से। और कटहल बिरयानी बनाने के लिए पहले हम बनाएंगे चावल। तो ये चावल हमने 2 घंटे भिगोने के लिए रख दिए थे, और अच्छे से इसे वाश कर लेंगे। 2 घंटा हमने भिगो के रखा है। आधी किलो कटहल के लिए हमने लिए 2 कटोरी चावल, तो इसे हमने धो के साफ कर लिया है, और अब इसे चावल को बनाएंगे। पहले चावल बनेंगे, फिर हमारा कटहल फ्राई होगा। बनेंगे हमारे, तब हम कटहल मैरिनेट करेंगे, फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। चावल में ज्यादा पानी लेंगे, क्योंकि हमने चावल में ज्यादा पानी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें इसे 80-90% पकाना, बाकी जो 10% या 20% रह जाएगा वो हमारे कटहल के साथ बनेगा। तो इसमें अब मैं डालूंगी पुदीने की पत्तियां, जो हमने धो के साफ कर लिए, इससे खुशबू बड़ी अच्छी आती है बिरयानी में। और साथ में डालेंगे खड़े मसाले, मैंने 10 रुपए का पैकेट आता है वो लिया है, क्योंकि खड़े मसालों की खुशबू बड़ी अच्छी आती है ना बिरयानी में, उसी का तो स्वाद होता है।
मैंने खड़े मसाले डाल लिए और डालिए पुदीने की पत्तियाँ। डालूंगी ये जो मैंने घी बनाया ना, घर का घी, 2 चम्मच डालूंगी। उसको ऐसे मिक्स कर दूंगी। अब ये चावल जो है हमारे 80 या 90% हमें पकाने हैं और फिर हमारे जो है कटहल के साथ पकेंगे, 10-20% जो भी बचेगा। चलिए कटहल मैरिनेट करते हैं, चावल हमारे जब तक पकते हैं। अब कटहल हम जो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करना है हमें और थोड़ा क्रिस्पी होने तक पकाना है। तो हम इसमें डालेंगे ऑयल, रिफाइंड ऑयल, आप तेल भी यूज कर सकते हैं, तेल में बनता है, पर मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। तो डीप फ्राई करना है इसलिए मैं ज़्यादा तेल ले रही हूँ और तेल होने देंगे गर्म। तो गाइस कटहल भूनने से पहले हम एक चीज भूल गए थे, हमें करनी है प्याज गोल्डन ब्राउन। तो ये हमने प्याज कट किए जो इसमें से आधी प्याज, आधी किलो लिया ना, हाँ आधी किलो प्याज है, इसमें से आधी प्याज हम गोल्डन ब्राउन कर देंगे, देन बाकी बाद में यूज करेंगे। तो पहले से कर लेते हैं फ्राई अच्छे से, देन हम मैरिनेट किया हुआ जो कटहल है इसको बाद में फ्राई करेंगे। तेल हो गया हमारा गर्म, तो अब करेंगे हम प्याज फ्राई। मैंने प्याज बचा लिया है तो अभी से अच्छे से होने देंगे गोल्डन ब्राउन, जलाना नहीं है इसे, गोल्डन ब्राउन बीच बीच में चलाते रहे, हाई फ्लेम पे भी पकाएंगे तो पक जाएगा प्याज। तो अभी से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं बिल्कुल, कितने सुंदर लग रहे देखने में, सुनहरे कलर के। तो इनको निकाल लेंगे हम, ये जो हमने प्लेट रेडी किया जिसमें हमने टिश्यू लगा रखा। तो गाइस हमने प्याज भून के प्लेट में निकाल लिए टिश्यू में, ताकि टिश्यू जो है सारा तेल पी जाए इसका, और इसको रखते हैं पंखे की हवा में ताकि ये जो है बहुत क्रिस्पी सी बन जाए, कुरकुरी सी बिल्कुल, तभी तो मजा आता है प्याज बिरयानी में, ये वाला प्याज खाने में। और हो रखा है तेल गरम, तो उसमें कर लेते हैं जल्दी जल्दी कटहल को फ्राई। ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमारे चावल जो है ये 80% तक पक गए, थोड़ा सा मतलब लग रहा है टाइट, तो बाकी हम जो है बिरयानी के साथ इसे पकाएंगे। तो कर देंगे गैस का फ्लेम बंद और इसे छान लेंगे। इसका पानी गिराना नहीं, इसका पानी हमें सब्जी में यूज करना, थोड़ा बहुत लगेगा। हमारा कटहल जो है फ्राई हो गया है, गल गया, आपको काट के दिखाती हूँ दोनों चीज़। ये देखें, ये आपको देख, ये गल गया अच्छे से। तो हम इसे निकालेंगे, गैस की फ्लेम कर देंगे बंद। तो गैस उसी कढ़ाई में बनाएंगे हम कटहल की सब्जी। तो इसमें हमने जो तेल था वो कम कर लिया है, जिसमें हमने कटहल फ्राई किया था वो तेल हमने कम कर लिया है। और अब इसी तेल के साथ हम इसमें डालेंगे ये घी, थोड़ा सा 2-4 चम्मच घी डालूंगी मैं इसमें, बस इसमें 4 चम्मच के करीब मैंने घी डाला है। और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तो गाइस ये प्याज हमारे हल्के हल्के देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो इसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि 10 वाला पैकेट लिया है, आप घर में भी बना सकते हैं अदरक और लहसुन को ग्राइंड करके उसका पेस्ट, और हमने बाहर से लेके आए हैं उसको डालेंगे। और इसको भी अच्छे से प्याज के साथ, जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन होगी हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी अच्छे से भून जाएगा। तो गाइस देखिए हमारा प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे चावल का बचा हुआ जो पानी था ना, हल्का सा 1 कड़छी पानी डाल देंगे। तो पानी को हम इसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाले और गैस की फ्लेम कम कर देनी है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, देन उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, साथ ही हम डाल देंगे नमक, और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे ये एवरेस्ट का बिरयानी मसाला, आप किसी भी कंपनी का बिरयानी मसाला ले सकते हो। तो ज़्यादा बिरयानी मसाला भी ज़्यादा नहीं डालना है, और इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, जैसे पानी की ज़रूरत जहाँ पे लगे वहाँ पे आप पानी यही वाला यूज कीजिएगा, चावल का बचा हुआ पानी है जो हमने चावल बॉयल किए थे उसका पानी है। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे ये फेटा हुआ दही, दही को फेटना जरूरी है तो दही को फेट के ही डालें। देन अब इसमें मैंने 1 कप दही डाला है,
भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमारा दही है इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो दही जो है वो फट जाएगा, इसलिए इसे लगातार चलाते रहे कॉन्टिन्यूसली। ऐसे 5 से 10 मिनट के लिए पका ले दही को भी। तो गाइज हमारा जो फेटा हुआ दही था वो देखो, उसमें अच्छे से तेल और जो घी का डाला हुआ वो छोड़ चुका है, देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर आया कश्मीरी लाल मिर्च। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे मसालों में धनिया पाउडर, 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है इसमें। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे ये कटी हुई जो बीस से 2 स्लाइस में कट कर दी मैंने हरी मिर्च, और थोड़े से डालेंगे हम इसमें ये पुदीने के पत्ते जो कि हमने अच्छे से क्रश करके डाले हुए हैं, इससे खुशबू बड़ी अच्छी आती है। तो इन्हें भी थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए पकने देंगे अच्छे से, ताकि पुदीने का जो फ्लेवर है वो हमारे मसाले में आ जाए। देन उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटहल। गर्मी लग ली आपको? गर्मी लग ली है मेरे सोना बच्चा। शिवू शिवा का बोला है, का बोला है? गुम्मी गुम्मी लग लिया, गमी गमी गुम्मी। तो गाइस मसाले को भूनते हो गए हैं 5 मिनट, देखो कितना कलर कितना सुंदर आया। तो अब इसमें डाल देंगे हम ये अपना फ्राई किया हुआ कटहल और आलू। मसाले से कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा कटहल मसाले के साथ। तो इस स्टेज पे हमें इसे 5 मिनट के लिए पकाना, वैसे तो ये पका हुआ है हमारा कटहल, बट इसे 5 मिनट के लिए इसमें मसालों का फ्लेवर अच्छे से घुस जाए, इसीलिए इसको 5 मिनट ढक के हम पकाएंगे। सो गाइज अब खोल के देखते हैं 5 मिनट बाद अपने कटहल को कि वो पका कि नहीं। ये देखो इसे छोड़ दिया तेल अच्छे से, तो ये हमारा कटहल जो है पक के रेडी है। अब हम अपने कटहल को नीचे निकाल लेंगे गैस से एंड रखेंगे दूसरी कढ़ाई, और कढ़ाई निकाल लेंगे नीचे और चढ़ा लेंगे दूसरी कढ़ाई गैस पे। तो ये चावल देखो ठंडे हो गए, हमने फैन के नीचे रख दिए थे, और ये भी एकदम क्रिस्पी हो चुकी है हमारी प्याज, और कटहल रेडी है। अब लेंगे हम एक भारी तले की कढ़ाई, ये कढ़ाई ढक्कन वाली कढ़ाई लेना। तो इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच घी नीचे से, ताकि हमारी कढ़ाई जो है ग्रीस हो जाए, और जो हम कटहल डालेंगे नीचे से वो इस पर चिपके ना। तो अब हम घी डालने के बाद, ये नहीं है कि घी को गर्म होने देना है, तो घी के बाद हम डालेंगे डायरेक्ट इसमें ये हमारा जो बना हुआ कटहल है, इसको हम इसमें ट्रांसफर करेंगे नीचे से तले पे फैलाएंगे पहले। ये फैला दिया हमने अपना कटहल, सबसे नीचे से डालेंगे हम अपना कटहल, देन उसके ऊपर से डालेंगे हम ये बने हुए चावल, जो कि बहुत ही खिले खिले बने हैं, चावल का दाना दाना लगा है। इसके ऊपर एक लेयर डालेंगे हम चावल की फैला के, सारे चावल डाल दीजिएगा। चावल डाल देंगे हम इस तरह से लेयर बनाने के लिए, एंड देन इसके ऊपर से हम डालेंगे ये जो है थोड़ा सा धनिया और पुदीना कटा हुआ है, इसको गार्निशिंग के लिए मतलब बीच में। मैंने ये फूड कलर बनाया है, आपके पास फूड कलर ना हो तो वैसे भी बिरयानी बहुत अच्छी होती है, इसी तरह से ट्राई करके देखना। हमारे पास फूड कलर अवेलेबल था तो हम फूड कलर डाल देंगे इसमें, इस तरह से पूरे उसमें नहीं डालना है, बस इस तरह से थोड़ा सा, देन उसके ऊपर से हम डालेंगे एक क्रिस्पी प्याज अपनी, फिर दोबारा से हम डालेंगे बना हुआ कटहल जो हमारा है, कटहल की सब्जी डालेंगे ऊपर से एक लेयर और। हाँ अब सारी कटहल डाल देंगे क्योंकि 3 ही लेयर बनानी थी, तो इसके ऊपर से
सारा कटहल हम इसके ऊपर डाल देंगे फैला के। इस तरह से फैला भी देना, नीचे के चावल ना दिखे, ताकि थोड़े बहुत दिखे चल जाएगा, पर ज्यादा हिलाना भी नहीं है चावल को। और फूड कलर डाल के तो बिल्कुल ना हिलाए चावलों को, ये पकने के बाद हिलाएंगे हम चावलों को। इस तरह से हमने ये सारा का सारा जो है कटहल ट्रांसफर कर लिया है इसमें, हमने फैला दिया अच्छे से। इस तरह से फैला देंगे और दोबारा से डालेंगे इसके ऊपर सारे चावलों के लिए। हम अपने सारे चावल इसके ऊपर डाल देंगे जितने भी बचे हुए हैं, क्योंकि ये लास्ट लेयर थी। ऊपर से डालेंगे ये कटा हुआ पुदीना और धनिया खूब सारा, क्योंकि अब लास्ट स्टेज है बिरयानी का। और फिर इसके ऊपर से डालेंगे हम ये प्याज, क्रिस्पी क्रिस्पी प्याज, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एक बार जरूर बनाना, खा के मजा आ जाएगा। तो और इसमें डालेंगे हम साइड से घी, साइड साइड में डालना है घी इसमें, ताकि हमारे जो बिरयानी वो साइड में चिपके। इसमें घी का ज्यादा काम है ना। हाँ, इस तरह से, और थोड़ा सा बीच में डाल देंगे इस तरह से बस। और इसमें डालेंगे लास्ट में फूड कलर, जो कि बिरयानी में डलता ही डलता है वैसे तो, आप लोग ना चाहे तो ना डालें, ऐसे भी खा सकते हैं। हाँ, इस तरह से साइड में भी डाल दूंगी मैं बस। अब डाल दिया मैंने इसमें सब चीजें। तो हमने हरी प्याज ऊपर से डेकोरेशन के लिए भी डाली हमने, तो इस तरह से हमने प्याज डाल दिया। देन अब हम इसमें लगा देंगे ढक्कन, और अपने बिरयानी को थोड़ा कुक होने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। गाइस, हमारी बिरयानी हो चुकी है रेडी, तो अब हम हटाते हैं इसका ढक्कन। तो ये रेडी है हमारी बिरयानी, तो अब हम कर लेंगे इसको मिक्स एंड देन आपको दिखाते हैं। खिली-खिली हमारी बिरयानी जो है वो रेडी है। देखो इसके दाने अलग अलग कलर के, हमने फूड कलर इसीलिए डाला था इसमें। तो अब हम इसे कर लेते हैं सर पसीना। देखो गर्मी कितनी हो रही है, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, किचन में तो काम करना बहुत मुश्किल है गर्मियों में। तो तैयार हमारा कटहल बिरयानी, ये देखो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी कि मतलब जैसे दुकान का बाजार का होता है ना होटल का, उसी तरह से। तो आप जरूर एक बार ये रेसिपी ट्राई करना, बहुत ही इजी है ये रेसिपी, आपको पसंद आएगी। और कमेंट करके जरूर बताना कि अपने अपने घरों में किसने कटहल बिरयानी ट्राई की है, किसने खाई है मतलब। हाँ, कटहल बिरयानी हमने सेकंड बार बनाया है। हाँ, सेकंड बार पापा ने बताए थे हमें कि कटहल बिरयानी भी होती है, हमने बोला कटहल बिरयानी, तो अभी बिरयानी खाने का मन कर रहा था पापा का, तो इसीलिए अभी चल रहे। एक बार पहले बनाई तो हमें अच्छी लगी, तो हमने कहा आपके साथ भी रेसिपी शेयर की जाए। सावन चल रहा है। हाँ, तो आपको सावन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, आपका घर हरा भरा रहे। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नए रेसिपी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।